मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान में कहावत है कि अतिथि देवो भव, बिकॉज यू आर माई गेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। अच्छा, मैं आप छोटी एक रिक्वेस्ट करूँगा, हाउ मैनी नोज अ हीरो फिनकॉर्प? यहाँ पे कितने लोग हीरो फिनकॉर्प को जानते हैं? ठीक है, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हीरो मोटर्स को कितने लोग जानते हैं? हाउ मैनी पीपल्स द हीरो मोटर्स? आई थिंक अगर आप किसी एक छोटे से बच्चे को भी बोलोगे ना, तो वो बाइक के बारे में बोलेगा हीरो मोटर्स। द हीरो फिनकॉर्प इज द सेम ग्रुप ऑफ हीरो मोटर्स। इन द हीरो फाइनेंस वी डू द फाइनेंसिंग टू ऑल कस्टमर्स ऑल द फाइनेंशियल नीड्स। जैसे अभी आपको भाविन जी ने बोला होगा कि मार्केटिंग एंड द सेल्स, जहाँ पे मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है। इफ यू सी अ कॉइन, कॉइन के दो फेसेस होते हैं। नॉन द नेक्स्ट फेज ऑफ द कॉइन द फाइनेंस कम विद द पिक्चर, बिकॉज अगर मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस है आपका, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, देन द फाइनेंस कम विद द पिक्चर। दैट्स वाई वी आर द हीरो फिनकॉर्प, वी आर द ग्रुप ऑफ हीरो मोटर्स, द सेम ग्रुप ऑफ द हीरो मोटर्स। सेकेंड, सेकेंड आई वॉन्ट टू थैंक्स टू एस एम बी। वाई एस एम बी? बिकॉज जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर मेरे को सबको मिलना हो तो एटलीस्ट मेरे को, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, सबको मिलने के लिए मेरे को एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4 या 5 महीने लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि सम टाइम यू आर बिजी, सम टाइम आई एम बिजी, तो मेरे को 4 या 5 महीने में किसी को मिलना है, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। बट रियली आई थैंक्स टू एस एम बी कि एक प्लेटफॉर्म पर एक दिन में, और वो भी 4-5 घंटे के टेनर में, आई कैन मीट ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम द एस एम ई बैकग्राउंड। बिकॉज हीरो फिनकॉर्प जो एड्रेस करता है बेसिकली ऑल द एस एम ई पार्टनर्स ऑफ सूरत हेयर इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। नाउ हाउ द पिक्चर ऑफ हाउ द जर्नी ऑफ हीरो फिनकॉर्प कम्स इन टू द पिक्चर, आई थिंक मिस्टर जो हीरो मोटर्स के प्रमोटर थे मिस्टर मुंजाल, आई थिंक यू आर अवेयर द मिस्टर मुंजाल। मिस्टर मुंजाल हैज कम टू द इंडिया व्हेन द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हैज हैपेंड, इंडिया के इंडिया एंड पाकिस्तान हैपेंड। दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस इन लुधियाना, आई थिंक वेरी स्मॉल सिटी नियर इन पंजाब ओनली। दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस विद अ चेन, जो आपने सुना हुआ है वो साइकिल चेन जो बनती है, वहाँ से मुंजाल साहब ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और बिजनेस जब उन्होंने साइकिल बनाई थी, उसके बाद दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस इन द साइकिल, तब बाद उसके बाद चेन के बाद दे कम टू द पिक्चर इन टू अ साइकिल, साइकिल स्टार्ट किया था उन लोगों ने। आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड द, दे कम इन टू द अगेन, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर, या यू कैन से द एनहांस देयर डिवीजन इन टू अ मोपेड, क्योंकि उस टाइम जमाने में आपने देखा होगा कि मोपेड चलती थी, और दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस द मोपेड। एंड देन द हीरो होंडा, विच एज अर्लियर जॉइंट वेंचर विद द होंडा, नाउ इट्स अ हीरो ग्रुप, हीरो कम टू द पिक्चर। दैट्स वाई मुंजाल साहब का आपने देखा होगा कि एक जो आदमी एक एस एम ई बैकग्राउंड से है, क्योंकि जो जिस आदमी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है एक चेन बनाने से, तो वो एस एम ई को उससे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। बिकॉज आपने भी अगर आज आप धीरू भाई अंबानी का भी नाम लोगे, तो जिस बंदे ने अगर नीचे से जो उठ के आया ना, उसे पता है कि डिफ़िकल्टीज क्या होती है। सपोज अगर आपको स्टार्टिंग, आपने कोई बिजनेस किया है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए अगर हार्डली हाथ में 10 लाख रुपए है, तो उस बंदे को पता है कि यार अगर मैंने 10 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से मेरे को 200 करोड़ का टर्नओवर करना है, देन ही ओनली नोज कि लाइफ में हर्डल्स कहाँ थे। जैसे आपने देखा होगा आपका बेटा है, आपने 200 करोड़ की एक अंपायर सर ने जैसे बोला कि मेरा 200 करोड़, आपके बच्चे को ये नहीं पता होगा कि 200 करोड़ का जो अंपायर खड़े करने के लिए मेरे फादर ने कितना स्ट्रगल किया है। सेम थिंग हेयर ऑल्सो। इसलिए हीरो फिनकॉर्प हैज फोकस्ड ऑन द एसएमई एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। और मेन जो मुंजाल साहब का विजन था, विजन एंड द वैल्यूज, आई थिंक मेरे फ्रेंड ने अभी बोला था वैल्यूज, वैल्यूज क्यों? बिकॉज आज की डेट में बिजनेस सब करते हैं, सबका विजन होता है वी हैव टू डू, मगर उसके साथ वैल्यूज भी आनी चाहिए। वैल्यू जिस बिजनेस के साथ में वैल्यूज टेक केयर करके चलती हैं, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं होता है। दैट्स वाई आई थिंक आप भी बोलते होगे, अपने कस्टमर्स को भी बोलते होगे कि बॉस हम वैल्यूज के साथ करते हैं, क्योंकि बिजनेस करना इज़ नॉट अ बिग जॉब, एनीबॉडी कैन स्टार्ट एंड डू, मगर वैल्यूज लेके चलना है। मतलब जहाँ वैल्यूज, हम क्या बोलते हैं, संस्कार, बच्चे के अंदर संस्कार डालने चाहिए।
क्यों वैल्यूज डालनी थी बस कि बेटा आपको और किसी को जाना है तो आपने देखा होगा हम जब छोटे थे पेरेंट्स तो कोई घर में आया तो हम बोलते थे नमस्कार, हमारे पेरेंट्स बोलते बेटा नमस्कार ये नहीं होता, नमस्कार ये होता है, सीधा नमस्कार, बिकॉज वैल्यूज होनी चाहिए, नमस्कार मुँह से नहीं बोलना चाहिए, वो दिल से भी आना चाहिए नमस्कार। हीरो फिनकॉर्प स्टार्टेड, बेसिकली हीरो फिनकॉर्प स्टार्टेड इज बिजनेस 3 years बैक इनटू द मेन एसएमई इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट हीरो फिनकॉर्प ने स्टार्ट किया था अपने बिजनेस इन द दिसंबर 91। उस टाइम पे हीरो फिनकॉर्प केवल जो हम फाइनेंस करते थे जो हीरो मोटर्स के जो डीलर्स होते हैं जो हमसे बाइक लेते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं जो बाइक खरीदते हैं हम उन लोगों को फाइनेंस करते थे, या जो हीरो मोटर की एंसिलरी यूनिट जो हीरो मोटर सपोज कोई टायर सप्लाई करता है या छोटे छोटे पार्ट सप्लाई करता है हम उनको ही फाइनेंस करते थे 91। बट आफ्टर दैट द जर्नी हैज स्टार्टेड देन इन 92 और 2012 तक हम यही काम करते थे कि हम फाइनेंस करते थे बट वी फाइनेंस ओनली द हीरो के जो एंसिलरी यूनिट होते थे उन्हीं को फाइनेंस करते थे, वो डीलर हो या हीरो को जो सप्लाई करते होंगे सभी। देन आप इन एंड दैट कंपनी वॉज बिफोर इन 1991 द कंपनी नेम वॉज हीरो फिनलीज लिमिटेड, बट इन 2012 द कंपनी नेम वॉज फिनकॉर्प हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, कंपनी नेम आर लिटिल बिट चेंज इन द फ्रॉम द फिनलीज टू अ फिनकॉर्प। देन फ्रॉम देयर द जर्नी हैज स्टार्टेड एंड नाउ वी हैव अ डिवीजन इन हीरो फिनकॉर्प, वी हैव टू डिवीजन, वन इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड वन इज रिटेल फाइनेंस। इन द रिटेल फाइनेंस हम क्या करते हैं, वी डू द फंडिंग टू अ टू व्हीलर और अ यूज्ड कार लोन, जो लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं हम उनको फाइनेंस करते हैं रिटेल में, या किसी को बाइक लेनी है और या स्मॉल लोन, वी कम इनटू द रिटेल फाइनेंस डिवीजन। कॉर्पोरेट फाइनेंस में द एसएमई जो है जिसको हम कैटर करते हैं एसएमई एंड द लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस वेयर द कम टू द पिक्चर वेयर द डिमांड ऑफ द लोन इज मोर देन 50 करोड़ रुपीज, वाई द कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज कम टू द पिक्चर। सपोज किसी को हमने एसएमई में लोन दिया है 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, सपोज सर की कल आज टर्नओवर बोल रहे हैं कि मैंने 200 करोड़ करनी है और आने वाले टाइम पे ये टर्नओवर 500 करोड़ होगी, तो हम उस कस्टमर को जब एक बार हमने नर्चर किया बीवी को उसको हम अपने पास लेके आए तो उसका मतलब ये नहीं बोलेंगे सर आपको टर्नओवर आपको ज़्यादा हो गया तो सर मैं 50 करोड़ आपको नहीं दूंगा, नहीं, एक बार बंदा हमारी किटी में आया है तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर टिल द एंड, तो उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट दे टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, उसकी 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ तक की रिक्वायरमेंट है तो वी विल कैटर इन आवर कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। आज की डेट में वी हैव स्टार्टेड आवर बिजनेस इन 2012, अभी स्टार्ट किए 3.5 ईयर्स हुए हैं एंड द एसएमई की जो बुक है इज 1000 करोड़ एंड इन 1000 करोड़ वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ द कस्टमर, द नंबर ऑफ कस्टमर इज 2000 द कस्टमर्स एंड द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ दैट इज 7 डेज। आपने देखा होगा कि आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री, आई गिव अ ब्रीफ अबाउट मी ऑल्सो, बेसिक आई एम रतन लिंगवाल, मैंने फाइनेंस की इंडस्ट्री में आज मेरे को 18 साल हो गए और अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक जब भी कभी आप लोगों के मन में कोई विचार आता कि मेरे को फाइनेंस चाहिए सब जने बैंक की तरफ जाते हैं, मगर अब आपने देखा फ्रॉम लास्ट 3-4 साल से ट्रेंड आ रहा है कि NBFCs ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर, डिफरेंस क्या है, मैंने 17 साल बैंक में काम किया है SDFC, ICICI, HSBC एंड द स्टैंडर्ड बैंक ऑल्सो, मगर द डिफरेंस इन द बैंक एंड द NBFCs आर, अब बैंक में जाएंगे आई थिंक अगर कुछ लोगों ने अपने बैंक्स में कभी फाइल दी होगी तो बैंक वाला सीधा पूछता है आपसे कि सर लिवरेज रेशियो नहीं आ बैठ रहा है, गियरिंग नहीं बैठ रहा है, आपका आईकोर नहीं बैठ रहा है, आपका इबीटा नहीं बैठ रहा है, ये सारी क्वेश्चन करें कि रीज़न उसका बैंकिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है कभी वो एक आदमी प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो कभी मार्केट में आए नहीं, क्योंकि रीज़न है कि जब तक आपने सेल्स नहीं किया ना तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो वो बंदा जो प्रोडक्ट बनाता है उसको ये नहीं पता था कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा मल्टीनेशनल बैंक का, मल्टीनेशनल बैंक जो होते हैं ना उनकी पॉलिसी इंडिया में नहीं बनती है, आप अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ HSBC का, स्टैंडर्ड का, उनकी पॉलिसी कहाँ बनती है, सिंगापुर में, जो बंदा सिंगापुर में बैठा है वो पॉलिसी बना रहा है तो उसे क्या पता कि इंडियन कंडीशन क्या है, एक SME को क्या काम करना पड़ता है,
भाई एसएमई मींस जो टर्नओवर आपका 100 करोड़ अगर बुक्स में दिख रहा है ना, तो बॉस वो टर्नओवर कम से कम उस बंदे का 150 करोड़। बिकॉज द डायनेमिक्स ऐसे हैं, बिकॉज आपको सबको टेक केयर करना है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, हु विल टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि वहाँ यहाँ के इंडियन डायनेमिक्स अलग होते हैं और फॉरेन के डायनेमिक्स अलग होते हैं। तो यही एक डिफरेंस है कि एक बैंक और एनबीएफसी में। एनबीएफसी में जनरली ये सब टेक केयर इजीली होता है, वाई एंड वाई द हीरो इज द एज ऑफ अदर एनबीएफसी। आपने और भी एनबीएफसी के नाम से सुने होंगे, जैसे बजाज हो गया, टाटा कैपिटल हो गया। रीज़न इनमें जो पॉलिसीज बनती है, इनके जो बंदे ऊपर बैठे हैं, दे नेवर हैड बीन टू अ ग्राउंड लेवल। मुंजाल साहब ने नीचे से शुरू किया, उसे पता है कि अगर मैंने चेन स्टार्ट किया था, या जब मुंजाल साहब ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, जब वो बैंक में गए, उन्हें पता हुआ कि बैंक से पैसा लेना कितना डिफिकल्ट है। और उस तरह का आदमी अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बैठा हो, तो आई थिंक उससे बढ़िया, अगर सपोज सर अगर कल ही आप अपने बिजनेस में बैठे हो, तो आपने अगर एक रुपये अगर शुरू से लगाया और आज आप 200 करोड़ के अंपायर बनते हो, तो आपको पता है बॉस कि एक एक करोड़ का कैसे कैसे जंप किया जाता है। सेम थिंग हेयर ऑल्सो, हीरो मोटर्स का एथिक्स ये है या वैल्यूज़ ये है कि जो यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, दे सिट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो एक्चुअल एसएमई की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नाउ द हीरो मोटर कम टू द कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो आज की डेट में हीरो मोटर का जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे, मगर जब स्टार्ट किया था तो वो एसएमई से था। तो दैट्स वाई एक हीरो मोटर्स और ऑल जो एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू डिफरेंस इज दैट, कि आपकी जो नीड है वो नीड हम समझते हैं कि एक्चुअल में नीड क्या है। अगर बैलेंस शीट में अगर 100 करोड़ टर्नओवर है, अगर उसको मेरे को फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस कैसे करना है। इवन जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बैंक में अगर आप जाओगे तो वो बोलेगा कि कम से कम साहब मेरे को तो 5 साल की बैलेंस शीट चाहिए, तभी मैं फाइनेंस करूँगा आपको, अदरवाइज नहीं करूँगा। हियर द सिनेरियो इज अ डिफरेंट। जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था, बैंक्स आते हैं इस इधर, और जो आपने देखा होगा कई बार आप जो एसएमईज हैं, अगर जब बैलेंस शीट सपोर्ट नहीं करते तो क्या करना पड़ता है आप लोगों को, मार्केट से बोरो करना पड़ता है, किसी लेंडर, जो आजकल डेट में देखिए काफ़ी सारे लेंडर्स होते हैं, मगर वो आपको कितना चार्ज करते हैं, एटलीस्ट 18-20% तो चार्ज करते हैं अगर आप मतलब उनके पास जाते हैं। बैंक्स को चाहिए बैलेंस शीट अच्छी, बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, और दे आर द ह्यूज मार्केट इज एमएसएमई। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा आपको फिगर्स बता देता हूँ, आई थिंक आपने गूगल में देखे भी होंगे। आज की डेट में 2016 का अगर हम डेटा देखते हैं, तो एसएमईज की जो कंपनीज हैं, उसमें से 64 कंपनीज ऐसे हैं जो कि एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हुई, और जो 63 कंपनीज हैं, फॉर योर मतलब आपको खुशी भी होगी कि उसमें से 26 कंपनीज ऐसी हैं जो गुजरात की, मैंने 64 कंपनीज में से जो लिस्टेड हुई हैं बीएससी और एनएससी में से, उसमें से 24 कंपनीज गुजरात की। इट मीन्स कि गुजरात का मार्केट क्या है, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। इट मीन्स कि गुजरात में एसएमई का मार्केट इज़ वेरी बिग मार्केट, दैट्स वाई अगर आप परसेंटेज देखो, 63 में से 24 कंपनीज फ्रॉम गुजरात ओनली हुए लिस्टेड फॉर एसएमई, आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएमई, नॉट अदर्स, नॉट कॉर्पोरेट, नॉट अदर्स। सो दैट्स वाई द पिक्चर हैज़ कम टू द पिक्चर कि इस स्पेस में फंडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में आपने देखा होगा चाइना, यूएस, इतने झगड़े होने के बाद भी दे वांट टू फ्रेंडशिप विद इंडिया। वाई? आज की डेट में आप देखो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो इंडिया में क्यों प्रेफरेंस, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज ह्यूज पॉपुलेशन, उसका अगर उसने 5% भी कैटर कर लिया या 10%, 5% से 5% भी कैटर कर लिया इज मोर देन एनफ, क्योंकि आज की डेट में किसी कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन देखो, सपोज अगर किसी पॉपुलेशन 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, कितना आप मार्केट शेयर लोगे, यहाँ पे अगर वो 5% भी मार्केट शेयर लेगा तो डेफिनेटली ही कैन पुश, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी हैज़ टू कम टू इंडिया, इसलिए इंडिया में आते हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर मैंने इसका कुछ परसेंटेज शेयर भी कुछ ले लिया तो इट्स ह्यूज फॉर मी, बेटर है मैं 3-4 कंट्री के बदले अगर एक कंट्री में जाऊँगा तो इट विल बी ईजी फॉर मी, बिकॉज उसका एक्सपेंशन, उसके खर्चे और एवरीथिंग विल बी लेस, बिकॉज हर कंट्री में ऑफिस खोलेगा, हर जगह जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी हैज़ कम टू द इंडिया। That's why the SME space is very much is important for us. और आज की डेट में आपने देखा कोई चाहे बैंक हो या एन बी एफ सीज हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कैटर द एम एस एम ई। उसका रीज़न क्या है आज की डेट में, वैसे मेरे को डिस्कस नहीं करनी है बट अगेन आई एम डिस्कसिंग विद यू, अगर आपने एक 100 करोड़ की फंडिंग दी है कॉर्पोरेट में और आपने वही 100 करोड़ रुपये एस एम ई में दिया है,
परसेंटेज अगर बाई चांस एक कस्टमर फटा, और सपोज वहाँ पे हमने फंडिंग दी है 5 कस्टमर को 1000 करोड़ की, और वो 5 भी फटे तो बैलेंस शीट NBFC की या बैंक की खोल गई। और सेम SME में अगर मेरा कुछ कस्टमर में गड़बड़ता है तो बैलेंस शीट में क्या हिट पड़ेगा? नथिंग। दैट्स व्हाई द एवरीबॉडी वांट्स टू, इसलिए आप भी सोचते हो यार कि मेरे जो बायर्स हैं वो मैं एक बायर को अपना माल सप्लाई नहीं करूँगा, आई विल सप्लाई 4-5 बायर्स। वाई? कल सपोज अगर एक बायर को प्रॉब्लम आती है, आपसे वो माल लेना बंद करता है, डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास 4 और भी हैं, आप वहाँ सप्लाई करोगे। बस जिस आदमी के पास बायर ही तो क्या करेगा, चाहे वो बायर बड़ा क्यों नहीं है। सपोज अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी है, सपोज डेवो है, डेवो आज की डेट में इंडिया में बंद हो चुकी है, मगर स्टिल आप ये देखेंगे कि जो लोग खाली डेवो को माल सप्लाई करते थे आज वो लोग फिनिश हो चुके हैं, बिकॉज दे आर टारगेटिंग ओनली 1 कस्टमर वेयर यू आर सप्लाइंग द मटेरियल। दैट्स वाई वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाई आर फोकस इन SME। That's why our focus is MSME, because of that only. कि जो MSME का या SME बोले आप, उसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि अगर कोई कंपनी उस दायरे के अंदर एंट्री कर लेती है, डेफिनेटली ही विल गेट अ गुड पोर्टफोलियो साइज और गुड ग्रोथ ऑल्सो। आपने देखा होगा, देखो बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं, कभी आपने सुना है कि आपको बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी कोलेटरल के आपको फंडिंग मिल जाए? कोई है यहाँ पे? सर मैं सुनना चाहूँगा कि बिना कोलेटरल के आपने कोई कोलेटरल नहीं दिया और आपको फंडिंग मिल गई? सर कितनी मिली होगी आपको? 92 लाख। कभी आपने सोचा कि वो आपको, अगर आपको 2 करोड़ रुपये चाहिए तो आपको देगा? वो मैंने CGT में, हाँ CGT में दिया होगा तब। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ उसकी भी एक सर्टेन कैप है कि आप 1 करोड़ तक के आपको फ्री लेंडिंग मिलेगी, अगर 1 करोड़ के बाद चाहिए तो आपको कोलेटरल चाहिए। हीरो फिनकॉर्प हैज अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको फंडिंग विदाउट कोलेटरल, इसको कि हम बोलते हैं मशीनरी टर्म लोन। सपोज कोई कस्टमर है अपना मशीनरी सेटअप कर रहा है, सॉरी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, उसे मशीन चाहिए, तो हम कोलेटरल नहीं लेते हैं। इफ़ द फाइनेंशियल इज गुड, हम उसको 2 करोड़ तक की फंडिंग विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल वी कैन गिव इट। आपने देखा बैंकिंग में क्या होता है, जनरली आप किसी बैंक में जाते हैं, आप उससे बोलते हैं सर इससे पहले मेरा कोई लोन नहीं चल रहा है, नाउ आई वांट टू टेक अ लोन, फ्रेश लोन। बैंक फ्रेश लोन नहीं करते। किसी भी बैंक के पास अगर आप वर्किंग कैपिटल लेने जाओगे, BIL लेने जाओगे, समथिंग डिफरेंट, बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप वर्किंग कैपिटल लेने के लिए जाओगे तो आपको बोले, सबसे पहले बोलेगा अगर फर्स्ट टाइम बोरोर हो, नोबडी कैन। देन अगेन हीरो कम इन टू द पिक्चर, हम फर्स्ट टाइम बोरोर को भी लिमिट करते हैं। आपने कभी बार देखा होगा कि अगर बाइकिंग आपकी टर्नओवर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स फॉर द सेल्स। सपोज आज आपकी सेल्स 100 करोड़ रुपए है, नेक्स्ट डे कुछ डायनेमिक्स आए, जैसे अभी ये डायनेमिक्स आए थे नवंबर में कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो डेफिनेटली सबकी सेल डाउन हुई है। मगर आप बैंक के पास जाएंगे ना, वो बोलेंगे सर उसको एक डायनेमिक्स तो समझ में आएगा, मगर अगर फ्यूचर में अगर कोई डायनेमिक्स तो समझ में आएगा, बोलेगा नहीं सेल डाउन है तो आई कांट इंक्रीज योर लिमिट, मैं आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं करूँगा। हेयर द पिक्चर इज डिफरेंट, हम कस्टमर समझते हैं, बिकॉज रीज़न इज दैट हमारे जो बोर्ड ऑफ पैनल में जितने लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड सी दैट आई एम अ रीजनल एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर लास्ट 16-17। तो मेरे को पता है बैंक कहाँ पे फंड करता है, बैंक कहाँ पे नहीं फंड करता है। तो मैं जो प्रोडक्ट लाऊंगा ना, बस मैं प्रोडक्ट वही डिज़ाइन करूँगा जो मुझे पता है कि बैंक नहीं दे सकता, जो चीज़ बैंक नहीं दे सकता है वो मैं वो डिज़ाइन करूँगा। दैट्स वाई द एज, हमारी एज जो है या NBFC की जो एज है वो यहीं पर, कि जो बैंक नहीं दे सकता बॉस वो चीज़ हम करके आपको दे सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ दैट एक बार अगर कस्टमर हमारे पास आ जाता है तो हम कस्टमर को जाने भी देते हैं। रीज़न इज़ दैट कस्टमर क्यों जाएगा, उसको फंडिंग इंक्रीज चाहिए, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अगर हम दोनों चीज़ की कैटर करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर गो एनीवेयर, नो, बिकॉज उसको एक KT चाहिए जिसमें कि उसको सब कुछ है। वी गिव द ऑल द लिमिट्स टू आर कस्टमर, जो कि आप सारी कैटर हो जाती हैं यहाँ पे। ऑल्सो आप देखेंगे लोगों के नीचे लिखा हमने फाइनेंस मेड इजी, दैट्स वाई, बिकॉज बैंक में अगर आपने एक बार प्रपोजल डाला है तो कोई ऐसा बंदा जो मेरे को बता दे कि 15 दिन में बैंक ने सेंक्शन कर देंगे कुछ आपको दे दिया, एनीबडी
सॉरी आई एम आस्किंग द क्वेश्चन बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि रियली कुछ कोई ऐसा बैंक है मार्केट में जो 15 दिन में आज आपने डॉक्यूमेंट दे दिए 15 दिन में सैंक्शन करके दे दो. एनीवन आप लोगों ने आई थिंक सभी की लिमिट्स यहाँ पे छोटी चाहे किसी छोटी चल रही है चाहे किसी बड़ी चल रही है लिमिट सबकी चल रही होंगी मगर कोई 15 दिन में कोई बैंक फाइनेंस करके दे सकता है आपको. मैं आपको बोल रहा हूँ एक महीने में भी फाइनेंस करके नहीं दे सकता अगर आपकी लिमिट 5 करोड़ की है. एटलीस्ट दे नीड 1 मंथ मिनिमम 1 मंथ टू सैंक्शन लिमिट. हम 7 डेज में लिमिट देते हैं गिव द लिमिट इन 7 डेज 7 वर्किंग डेज अगर कस्टमर सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है. सपोज अ कस्टमर डॉक्यूमेंट्स दिए ये given a long time definitely it's a different matter but a customer will support us we can sanction a limit within 7 working days. apart from that मैंने आपको बताया कि जैसे मशीनरी टर्म लोन देते हैं जो कि हम कोलेटरल नहीं लेते हैं जिसमें. सेकंड इज दैट अ वेंडर डीलर फाइनेंस. हम लोगों ने टाई अप्स किए हैं रेमंड से एसकेएफ ब्लू स्टार और टाइकन. सपोज कोई वेंडर है वो रेमंड को माल सप्लाई करता है. इवन आपके गुजरात में कई लोग हैं जो रेमंड को माल सप्लाई करते हैं. जिस दिन वो रेमंड को बिल रेज करते हैं वो बिल हमारे पास आता है और हम उसको डिस्काउंट करते हैं और सेम डे उसको वी विल गिव द मनी टू दैट कस्टमर विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल. कोई कोलेटरल नहीं लेते. दैट्स वाई वी नीड वी गिविंग अ सपोर्ट टू SMEs कि आपको हमारे कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है. वी आर गिविंग अ सपोर्ट वी ऑल टाई अप विद रेमंड SKF ब्लू स्टार एंड टाइकेट और उनके बिहाफ में जो उनके वेंडर्स हैं वी गिव अ लिमिट विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल. और अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. वी कैन वी हैव ऑलरेडी सैंक्शन द लिमिट एंड वी हैव डिस्बर्स लिमिट टू 10 करोड़ ऑल्सो. मैं हम 10 करोड़ तक की लिमिट जो इनके वेंडर्स हैं हम 10 करोड़ तक की लिमिट भी विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल भी कहते. तो अभी तक क्या बेसिकली अगर आप देखेंगे ना हर किसी की माइंड में फाइनेंस जब आता है तो एक ही पिक्चर आती है बैंक बैंक बैंक. बस बैंक में और NBFC में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो आप कॉल ले सकते हैं वो बैंक नहीं ले सकते. आई थिंक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. आप लोगों ने अभी NBFC से और बैंक्स में आप लोगों ने डील किया होगा तो आपको क्या कोई डिफरेंस नज़र आया बैंक में और NBFC में. एक्सक्यूज मी कैन एनीबडी कैन गिव मी द आंसर प्लीज. हाँ बोलिए सर. करेक्ट. हाँ करेक्ट. सर ने बिल्कुल सही बोला. मगर रीज़न है सर अभी आपने देखा होगा NBFCs को मार्केट में आए हुए कितना टाइम है. हार्डली 4 or 5 years. अच्छा अगर आपने सुना होगा अभी बजाज के बारे में. बजाज ऑलरेडी क्रॉस हिज 1 lakh crores EUM इन अ लास्ट 10 or 15 years. मतलब आज की डेट में जो बजाज फाइनेंस है वो इज़ अ बिगर देन अ इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक का EUM है वो कम है और उसका ज़्यादा है. दैट्स वाई इन द लास्ट 3-4 years द NBFC हैज़ कम टू द पिक्चर. और ज़्यादातर लोग NBFC को मेनली SMEs अप्रोच इसीलिए कर रहा है क्योंकि आज की डेट में अगर कॉर्पोरेट की बात करो तो अगर कॉर्पोरेट में अगर 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है ना तो बॉस वो 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है क्योंकि वहाँ एवरीथिंग इन पेपर. पर SMEs में क्या होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट ट्रेंड और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स जो बैलेंस शीट में 100 करोड़ दिखता है एक्चुअल वो 150 करोड़ होता है. अब 150 करोड़ को फंड करने के लिए बैंक कभी भी बॉस उसको 150 करोड़ नहीं समझेगा. वो बोलेगा आपके बैलेंस शीट में 100 करोड़ तो आई विल गिव यू फंडिंग ओनली कंसिडरिंग योर 100 करोड़ टर्न ओवर. जबकि अगर NBFCs में आप जाओगे तो वो कंसिडर करके चलता है कि 25% जो बैलेंस शीट में एक्चुअल दिख रहा है वो है नहीं. इसकी जो ग्रोथ है इज मोर देन 25%. दिस इज द पिक्चर इन कम. आप अभी सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ट्राई करना एक NBFC से आप लोन लेना और एक बैंक से लोन लेना. आपको डिफरेंस आज की डेट में पहले नहीं बोलता पर लास्ट 1 year से या 2 साल पहले से आप डिफरेंस आज यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस कि डिफरेंस क्या है एक NBFC और अ बैंक. और हीरो की एज क्या है. हीरो इज दैट कि हीरो इज़ अ वेरी ओल्ड ग्रुप इन द मार्केट. आई थिंक मैं बता रहा हूँ आपको सिंस पार्टीशन वी हैव स्टार्टेड. तो यू नो दैट हीरो मोटर्स इज अ वेरी गुड रिनोन्ड प्लेयर इन द मार्केट. दैट्स वाई दिस इज द एज ऑफ हीरो ग्रुप विद अदर्स कॉम्पिटिटर्स. अगर बजाज भी है
या आप लेके चलो टाटा कैपिटल है या अदर्स एनबीएफसीज हैं, उनकी एज क्या है कि उनके जो प्रमोटर्स हैं दे नेवर हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच, बिकॉज एक अंपायर खड़ा करा हुआ मिला है, अंपायर को चलाना इजी होता है और एक अंपायर को खड़ा करने में डिफरेंस है. दैट्स व्हाई द मुंजाल फैमिली इज कम टू द पिक्चर, कि जिस आदमी ने अंपायर खड़ा किया उसे पता है कि एक एसएमई की डिमांड क्या है. दैट्स व्हाई जब हमारी मीटिंग्स होती है, वो प्रोडक्ट होता है, दे टॉक अबाउट द एसएमईज ओनली, उन्हें पता है कि हाउ द एसएमई हैज स्टार्टेड एंड हाउ द नीड ऑफ एसएमईज इज रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई वी कम टू द पिक्चर. आप अगर आई थिंक अगर बैंक के नाप लोगे तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल बैंक, वो कुछ ही सिटीज़ में प्रेजेंट होती है, दे डोंट प्रेजेंट, बट वी आर प्रेजेंस इज अगर आप गुजरात की बात करोगे तो वी हैव नियर अबाउट 7 to 8 सेंटर्स वेयर आर सेल्स टीम इज लोकेटेड. तो मतलब रीच है, आर रीच, इफ़ यू सी आर रीच इन कमिंग, मतलब 3 साल में ये रीच है तो यू नो वेरी वेल कि हमारी आने वाले टाइम पर रीच कैसी होगी, बिकॉज हमें कोई ऑफिस खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टार्टिंग में. वी वर्क फ्रॉम आर जो हमारे डीलर्स होते हैं उनसे हमारे टाई अप्स होते हैं एंड वी स्टार्ट फ्रॉम आर डीलर प्लेस ओनली. तो जितनी भी हमारी रिटेल की टीम है दे स्टार्टेड फ्रॉम द डीलर प्लेस ओनली. तो हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि यार इन्वेस्टमेंट करना है और हमें वहाँ जाके काम करना है. वी हैव ऑलरेडी आर मार्केट इन प्लेस, एवरीथिंग इन प्लेस, तो उसमें रिक्वायरमेंट हमें ईजी हो जाती है एंड वी कैन कैटर आर कस्टमर ईजीली. बिकॉज एक कस्टम कंपनी को अगर आप देखते हैं ऑफिस जाके लेगा, उसका रेंटल देना है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने, टेलीफोन बिल्स देने, तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि मेरे को वहाँ जाके ऑफिस खोलना है या नहीं खोलना है. दैट्स वाई आर डिफरेंस ऑफ हीरो विद अदर प्लेयर ऑफ एनबीएफसी इज दैट कि हमें रीच तक पहुँचने में कोई डिफिकल्टी नहीं है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी आर द बैकअप ऑफ हीरो मोटर. जैसे इसमें आप देखेंगे भी तो वी हैव ऑलरेडी 850 डीलर्स अक्रॉस कंट्री. तो 850 डीलर्स अगर हीरो के यहाँ बैठे हैं तो वी हैव अ रीच ऑफ 779. आज तक हम जो हमारे अप्रोच हो चुकी है फॉर द यू कैन से अ रिटेल ग्रुप, यहाँ पे कि हम हीरो में आपको बाइसाइकल्स फाइनेंस करते हैं या हीरो पे जो डीलर्स होते हैं उन्हें फाइनेंस करते हैं, तो आर ऑफिस इज 779 देयर बिकॉज वी ऑलरेडी रीच देयर, बिकॉज आर डीलर इज देयर एंड वी आर सपोर्टिंग दे आर द पार्टनर ऑफ दैट. तो अगर वो हमारे पार्टनर तो वी कैन ईजिली लोकेट आर ऑफिस एंड वी कैन सेल आर प्रोडक्ट ईजिली देयर. और आप लोगों की और डिस्कशंस हैं जो विच यू वॉन्ट टू डू मी समबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ दैट? यस. हाँ बिल्कुल, 3 महीने पहले शुरू किया. हाँ बोलिए. बट दे हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू मूव अहेड एंड दे कैन बी द फ्यूचर इंडस्ट्री लीडर्स, राइट? सो डू यू फाइनेंस न्यू बिजनेसेस व्हिच आर नॉट टू ओल्ड बट हैव विजन टू कंटिन्यू देयर बिजनेस फॉर लाइफ लॉन्ग? या व्हाई नॉट. मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल बोलना चाहूँगा. आपने देखा होगा जैसे कि अगर बैंकिंग में अगर आप जाते हैं, आपको किसी सपोज आपकी एक कंपनी है, आपने उसमें बिल्डिंग के लिए फाइनेंस चाहिए, आपको रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंस चाहिए, तो वो नए वेंचर को थोड़ा फाइनेंस करने में डिफिकल्टी होती है. मगर अगर किसी ऑलरेडी कंपनी चल रही है, उसको बिल्डिंग सेटअप करनी है, उसे अपनी और लैंड परचेज करनी है, वी कैन गिव द फंडिंग टू दोस कंपनी ऑल्सो, जो कि आपको इजीली बैंकिंग इंडस्ट्री बैंक के अंदर ये फैसिलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, बट वी कैटर ऑल दीज फैसिलिटीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी, सॉरी वन स्लाइड इज मिसिंग फ्रॉम देयर. अगर आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जो बैंक एक दे सकता है, वी कैन ऑल्सो गिव ऑल द लिमिट्स, वो सर्विस इंडस्ट्री हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडर हो, वी कैन कैटर ऑल थ्री. ऐसा नहीं कि हम केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही हम वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. नो, इफ अ कस्टमर इज डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस वी कैन गिव. आपने सुना होगा आई थिंक जिनके लिमिट्स चल रही है उन्होंने देखा होगा कि एवरी मंथ दे हैव टू सबमिट अ डीपी स्टेटमेंट. ड्रॉइंग पावर के लिए आप लोग स्टेटमेंट सबमिट करते होंगे शायद. सर क्या आपकी चल रही किसी सर बैंक में लिमिट्स वर्किंग कैपिटल? डीपी स्टेटमेंट भी सबमिट.
आपको मंथली डीपी स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ा। सपोज अगर आपकी 5 करोड़ की लिमिट है और आपको डीपी स्टेटमेंट अगर आपने सबमिट किया उसमें अगर आपकी डीपी निकल के नहीं आती तो बॉस आपको जितनी डीपी, सपोज अगर आपकी डीपी 1 करोड़ निकल के आएगी तो आप उस साल उस महीने आप 1 करोड़ ही यूटिलाइज करोगे। हमारे पास प्रोडक्ट है WCDL। WCDL में कुछ हम मंथली कोई डीपी स्टेटमेंट कस्टमर से नहीं लेते, बिकॉज अगर कस्टमर डीपी स्टेटमेंट ही बनाता रहेगा महीने भर और हमें देता रहेगा तो क्या अपना बिजनेस करेगा बॉस? उसको खाली फाइनेंस नहीं अरेंज करना, अगर उसे फाइनेंस अरेंज करना है तो उसे यूटिलाइजेशन भी करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर उसे इंटरेस्ट देना है तो यूटिलाइजेशन करने के बाद ही मेरे को इंटरेस्ट देगा। तो वी डोंट वांट एनी डीपी स्टेटमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। हाँ यस। डू यू फाइनेंस डायमंड इंडस्ट्री आल्सो? क्या सर? डू यू फाइनेंस डायमंड इंडस्ट्री आल्सो? सर डायमंड का देखना पड़ेगा, बेसिकली डायमंड मैं फ्रेंकली बोलूँ थोड़ा डिफरेंस है डायमंड में, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा एक्टिपिकल है। फ्रेंकली बोलूँ इफ बिकॉज आई एम फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर आप बैंक की बात करो, बिफोर दैट आई वॉज इन, आई डोंट वॉन्ट टू कोट द नेम अगेन एंड अगेन, बट आई वॉज इन द मल्टीनेशनल बैंक। थोड़ा डायमंड इंडस्ट्री में थोड़ा डायमंड को उसका बेसिकली क्या है, हमें क्या करना होता है, इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी होती है। सपोज कोई कंपनी है उसका स्टॉक का एनालिसिस करूँगा मैं, उसका डेटर का एनालिसिस करूँगा और उसका क्रेडिटर का एनालिसिस करूँगा, बिकॉज आज की डेट में 3 चीज़ का ही पे कॉल लेता हूँ मैं। आदमी का अगर बिजनेस अच्छा है, कहाँ से वो माल खरीदता है, किसको माल बेचता है और कितने दिन माल रखता है, अगर उसका पेमेंट टाइम पे आ रहा है फेयर इनफ, स्टॉक ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइम पे देता है, द कंपनी इज रियली गुड। क्योंकि तीन ही चीज़ में कंपनी खेलती है, बाकी चौथी चीज़ में कुछ नहीं। तो दैट्स वाई जो डायमंड इंडस्ट्री है आजकल थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट, कि उसे थोड़ा समझना उसे डिफिकल्ट है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं आपकी बैलेंस शीट को फाइनेंस कर रहा हूँ, तो मैंने कितना एनालिसिस किया एक महीने का, आप लोग वो धंधा 10 साल में कर रहे हो, बस जो आदमी 10 साल से धंधा कर रहा है और मैं एक महीने में बैठ के उसके धंधे को समझ लूँ, डिफिकल्ट। बिकॉज वो अगर मैं उसके स्टॉक की बात करूँगा तो स्टॉक कितना होगा, अगर मैं उसकी स्टॉक की बात करूँगा एक छोटे से स्टॉक में, अगर वो मेरे को बोलेगा सर मेरा 100 करोड़ का स्टॉक है ना बॉस, चाहे मेरे को 17 साल बैंकिंग में हो गए, आई कांट चेंज। मशीनरी ठीक है, मशीन अगर उसका प्रॉपर बिजनेस है और मशीनरी के लिए बेसिकली उसे चाहिए तो वी कैन गिव। हाँ मशीनरी टर्म लोन वी कैन गिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई कि हैसल जो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं और जो आप NBFC में आते हैं, मैं पहला हैसल आपको ये बताया, अगर आपको मशीनरी टर्म लोन चाहिए कोलैटरल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सपोज WCDL मैंने दे दिया जो कि आपके OD और CC चलती है, आपको एवरी मंथ करना पड़ता है, आपको एवरी क्वार्टरली होगा शायद, उसमें आपका स्टॉक ऑडिट भी होता होगा, स्टॉक हमारे यहाँ स्टॉक ऑडिट नहीं होगा, दैट्स वाई दैट डिफरेंस इज देयर। बिकॉज आज की डेट में जो एक NBFC कस्टमर, SME कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो समझ सकते हैं, आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री समझ तो सकती है बट उसके आप सो, क्योंकि आज एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है ना बैंकिंग में, तो उसको ऑन द प्लेटफॉर्म आते आते कम से कम नहीं भी होंगे तो 10 डिपार्टमेंट है क्रॉस होना पड़ता है, साइन लेना है, देन ओनली दैट प्रोडक्ट विल बी रिकमेंडेड, अदरवाइज नॉट। NBFC में इतना बड़ा चैनल नहीं है, NBFC में अगर 3 बंदे या 4 बंदे बैठ गए, द प्रोडक्ट गेट अप्रूव्ड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्यूटी ऑफ द NBFC। दैट्स वाई आई थिंक आपने देखा होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि 17 साल की जर्नी करने के बाद आई कम टू द NBFC। वाई? बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो, हर किसी को ग्रो करना है, सेम थिंग विद मी ऑल्सो। सो दैट्स वाई अ डिफरेंस इन बैंक एंड Anybody any question regarding that? Yes, please. So typically, if any SME or new business is seeking for the finance, especially for you, what does it take to pass that litmus test of yours? Yeah. And how it is different from the other NBFC than Hero FinCorp? Our difference and the difference of other NBFC. And that is second question. First is that if an SME or a new business is seeking for finance from you, so what does it take to pass the litmus test of yours? It depends upon the requirement of customer. Ko machinery term loan chahiye, WCDL chahiye, WCDL. It depends upon the requirement of the customer. Ki main ye nahi bolunga ki haan ji mere paas ek hi product hai aur main sab jagah fit kar dunga. बिकॉज इफ़ आ रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्राउजर तो आपको ट्राउजर ही पहनना है, शर्ट है तो आप मेरे को जो प्रोडक्ट बोलेंगे, सपोज आपने मशीनरी टर्म लोन बोला वी हैव अ प्रोडक्ट, अगर आपका न्यू वेंचर भी है डेफिनेटली वी कैन फाइनेंस, मैं एटलीस्ट 2 साल की बैलेंस शीट मिनिमम मेरे को फिर, क्योंकि मैं आपसे कोई कोलेटरल नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी कोलेटरल फ्रॉम यू, वी विल ओनली टेक द हाइपोथिकेशन ऑफ द मशीन एंड विल नॉट टेक। और आज की डेट में आप किसी बैंक में जाएंगे उससे बोलेंगे कि मेरे को मशीनरी टर्म लोन चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरे को कोलेटरल चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट
अगर आप बैंक की फ्रेटिटी में जाएंगे तो सबसे पहले कोलेटर में वो बोलेगा सर आपका रेजिडेंशियल कोलेटर है, आपका कॉमर्शियल है, क्योंकि फैक्ट्री पे नहीं आएगा वो, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो बहुत बाद में आती है. दे डोंट, फ्यू ऑफ द बैंक्स डोंट टेक द फैक्ट्री एज ए कोलेटर. वी टेक द फैक्ट्री एज ए कोलेटर एंड वी गिव अ वेरी गुड रेट फॉर द कोलेटर इफ द फैक्ट्री वी टेक अ कोलेटर एज अ फैक्ट्री. तो दिस इज अ डिफरेंस कि अगर निकलते अगर आपने कभी लोन लिया आपको पता लगा बैंकर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका घर है. अगर SME में अगर आप देखिए कि अगर कस्टमर अपना घर बनाएगा तो फैक्ट्री क्या बनाएगा. तो आई थिंक आज की डेट में जो SMEs होते ज़्यादातर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले मैं अपनी अगर मेरे को बिजनेस करना है तो फर्स्ट आई बिल्ड माई बिजनेस. इफ़ आई बिल्ड माई बिजनेस तो वहाँ से मैं अपना अर्न करके आई विल टेक माई होम. ही नेवर गो फॉर होम. हाँ फॉर सर्विस क्लास डेफिनेटली आई गो फर्स्ट फॉर माई होम. मैं अगर कोई अर्न कर रहा हूँ तो मैं अपना घर लूँगा. पर जो बिजनेस मैन होगा ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि पहले मेरी फैक्ट्री अगर चल गई बहुत तो घर तो मैं चार बना दूँगा. तो दैट सेम पिक्चर इज देयर कि वी टेक द कोलेटरल एज ए फैक्ट्री ऑल्सो बट बैंक डजंट टेक. कुछ अब नेशनलाइज बैंक है दे आर टेकिंग दैट. मगर आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर बैंक की इज अ सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होगी. अगर वो अगर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट भी अगर कोई बैंक अगर आपसे फैक्ट्री एज ए कोलेटरल लेता है तो LTV हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू. नोबडी गिव्स मोर देन 30 or 35%. SME गैप इज अ वेरी बिग गैप. तो उसको फंडिंग करने के लिए दे नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. और वो रिक्वायरमेंट NBFC से पहले कोई नोबडी टेक केयर ऑफ दैट. नोबडी एंड हीरो में ये नहीं है कि मैंने आपको मशीनरी टर्म लोन दे दिया एंड वी टेक एवरीथिंग. नो आपके वो आपकी फाइनेंशियल नीड्स कोई भी फाइनेंशियल नीड्स होगी एनी काइंड ऑफ फॉर अ बिजनेस एनी काइंड ऑफ नीड वी टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज वी वॉन्ट अ बकेट. हमें बकेट में ये नहीं चाहिए पानी चाहिए. वी वॉन्ट एवरी फ्रूट. तो एवरीबडी वी टेक केयर नीड्स ऑफ एवरीबडी. हर चीज़ को सेब चाहिए सेब मिलेगा, केला चाहिए केला मिलेगा. वी हैव दैट्स वाई वी हैव मेक अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट कि उसके बिजनेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है. और कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि सर वी टेक अ डिफरेंट क्या आपको चाहिए. नहीं, हम कहते हैं सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेल मी द रिक्वायरमेंट. इवन हमने ऐसा भी किया है कि हमने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. और हमें पता है कि आज ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. सपोज आपने देखा होगा कि कई जगह बोलते हैं मेरा साइकिल 60 डेज है, कोई 90 डेज है. किसी को आपने बोला बस मेरा साइकिल 180 डेज का है तो नोबडी बिलीव्स दैट. यार 180 दिन में इसका पैसा आएगा तो क्या रोटेट करेगा पैसे को. नो बॉस, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो मोर देन 180 डेज की. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. ऐसा नहीं है कि किसी साइकिल में किसी बिजनेस में 30 दिन में पैसा वापस लौट के आता है, किसी दिन में 60 डेज में आता है, किसी 70 दिन में आता है. मैं कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं बॉस कि 180 दिन में पैसा लौट कर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल. तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग वैसी होती है कि इंडस्ट्री की नीड क्या है. ऐसे नहीं है कि हमने फिट कर दिया नहीं यार 90 दिन में तो पैसा आना चाहिए नहीं तो वी विल नॉट गिव फंडिंग टू कंपनी. नो, यू हैव टू एनालाइज द बिजनेस. तो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है यू हैव टू फिट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट वन. सो दैट्स वाई अ डिफरेंस इन NBFC एंड अ बैंक. तो आपसे मेरी गुजारिश है लंच टाइम में मेरी टीम दे आर हेयर ओनली. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डिस्कशन प्लीज कॉन्टेक्ट विद दैम. आई एम ऑल्सो अवेलेबल विद यू एंड इन फ्यूचर इफ यू एनी रिक्वायरमेंट तो प्लीज कम इन टू द माइंड कि हीरो मोटर्स आपने हीरो फाइनेंस इज ऑल्सो देयर हु टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ SME कस्टमर. थैंक्स बाय एवरीवन. हैव अ नाइस डे.